गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जनवरी 2020 की जो GSTR 3B है उसके अंदर लेट फीस का कैलकुलेशन हो रहा है या नहीं। जीएसटी पोर्टल GSTR 3B के लिए लेट फीस कैलकुलेट नहीं कर रहा है जनवरी के लिए। चलिए देखते हैं किस तरीके से किन के लिए लेट फीस जो है अभी नहीं लग रही है 3B के अंदर। लेट स्टार्ट द वीडियो। ये मैंने ओपन करा है जीएसटी का पोर्टल। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है जनवरी 2020 के लिए जो GSTR 3B की ड्यू डेट्स है उसको स्टैगर्ड मैनर में एक्सटेंड किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो आपका जो ड्यू डेट है इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट 20 फरवरी रहेगा। अगर 5 करोड़ से कम है तो उनके लिए 22 और 24 की दो डेडलाइंस दी गई थी। मैं आपको आज जिस केस के बारे में दिखाने वाला हूं इसका टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ऊपर है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद देखेंगे कि जनवरी की 3B कब फाइल हुई है और उसके अंदर लेट फीस लग रही है या नहीं। अगर आपको GSTR 3B फाइल करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप इसके लिए क्लियर टैक्स का फाइलिंग टूल यूज कर सकते हैं, जिसका साइन अप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में GSTR 3B के अंदर फाइनेंशियल ईयर 18-19 में 5 करोड़ एंड अबव का टर्नओवर दिखलाया गया है या नहीं। इसमें जो है लास्ट क्वार्टर के अंदर ही 5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर चला जाएगा। एक बार इस चीज को हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं ये डिटरमाइन करने के लिए कि इसकी ड्यू डेट जनवरी के महीने के लिए 20 फरवरी ही रखी गई है, क्योंकि टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है। ये मैंने खोला है जनवरी 2019 का GSTR 3B। इसमें आप देख पा रहे हैं लगभग 2.7 करोड़ का टर्नओवर दिखाया गया है एक महीने में। और इसके बाद देखेंगे फरवरी महीने की जो GSTR 3B है, यानी कि फरवरी 19 की जो GSTR 3B है उसमें कितना टर्नओवर निकल के आया है, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि 5 करोड़ से ऊपर का केस के अंदर लेट फीस कैसे कैलकुलेट हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फरवरी में 1 करोड़ का टर्नओवर लगभग दिखाया गया है, तो जनवरी में 2 करोड़ था, फरवरी में 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया। अब मार्च में देखेंगे तो लगभग इसमें 2 करोड़ का टर्नओवर जो है वो रिफ्लेक्ट किया जाएगा, यानी कि एक क्वार्टर के अंदर ही 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर हो चुका है। तो इससे ये चीज डिटरमाइन हो जाती है कि हमारा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर था। ये आप देख पा रहे हैं 2,15,38,782 रुपए का टर्नओवर है। तो ये चीज तो जस्टिफाई हो चुकी है कि 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है। यानी कि अब चेक करते हैं जनवरी 2020 की जो हमारा GSTR 3B है वो एक्चुअली फाइल हुआ कब। वो फाइल होना चाहिए था 20 फरवरी 2020 या उससे पहले। अब देखते हैं रिटर्न सेक्शन में जाकर के व्यू ई रिटर्न फाइल्स, जो भी रिटर्न्स आप फाइल करते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है फाइनेंशियल ईयर, रिटर्न फाइलिंग पीरियड हम लोग सिलेक्ट करते हैं मंथली, और इस पे सर्च करेंगे तो आपने जितनी भी रिटर्न्स फाइल करी है सारी रिटर्न्स का डिटेल आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रिटर्न टाइप GSTR 3B फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी कि जनवरी 2020 के लिए एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया गया है, और डेट ऑफ फाइलिंग आप देखेंगे तो 22 फरवरी 2020 रखा गया है, जबकि ये था 20 तारीख ड्यू डेट, यानी कि 2 दिन जो डिले हुआ है इसका लेट फीस 100 रुपए लगना चाहिए। अब चेक करते हैं क्या GSTR 3B के अंदर 100 रुपए का लेट फीस लग रहा है या नहीं। आपको पता है कि एक महीने की जो लेट फीस होती है 3B के केस में वो अगले महीने कलेक्ट की जाती है, यानी कि अगर जनवरी की रिटर्न लेट फाइल होती है तो इसका जो लेट फीस है वो कब मिलेगा, वो मिलेगा हम लोगों को जब हम लोग फरवरी की 3B फाइल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फरवरी महीने की 3B को ओपन कर लिया है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चनर्स दिए गए हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहता है कि डू यू वॉन्ट टू फाइल नील रिटर्न, उसके बाद रहता है कि आउटवर्ड सप्लाईज की कोई डिटेल्स है या नहीं, हैव यू मेड एनी इंटरस्टेट सप्लाईज, अगर आपने कोई इंटरस्टेट सप्लाईज करी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड, और जो कॉलम नंबर F है ये कहता है डू यू हैव एनी इंटरेस्ट और लेट फी। अगर आपका लेट फी लगता है तो ये बाय डिफॉल्ट यस रहेगा, और आपके पास यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज भी शो करता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई भी पॉपअप मैसेज नहीं है और कोई भी लेट फीस जो है वो भी नहीं लग रही, यानी कि जनवरी की लेट फीस नहीं लग रही है। तो आप जल्द से जल्द इसको फाइल कर लें, क्योंकि 22 तारीख जो स्पेसिफिक ड्यू डेट्स हैं 5 करोड़ से कम वालों के लिए वो भी निकल चुकी है, और कल जो है 24 तारीख
लास्ट ड्यू डेट है 3B की, तो आप 22 तारीख में अगर फाइल नहीं कर पाए तो जल्द से जल्द फाइल कर लें ताकि आपका लेट फीस जो है वो नहीं लगे। और ये चीज आप मेरे को जरूर बताएं, क्या आपके केस में भी जीएसटी पोर्टल लेट फीस कैलकुलेट नहीं कर रहा है या कर रहा है इन एनी केस, चाहे आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर हो चाहे 5 करोड़ से कम हो, ताकि लोगों को भी अवेयरनेस हो पाए। तो अब देखते हैं इसको ओपन करके, तो यहां पर आप देखेंगे कोई भी लेट फीस का कॉलम जो है वो नहीं दिखाया गया। इसको अगर यस कर भी देते हैं फिर भी आप देखेंगे कि लेट फीस जो है वो 00 ही शो हो रहा है, दैट मींस लेट फीस कैलकुलेट नहीं हो रही। अब एक बार आप देख लीजिए, जो चीजें मैं बता रहा हूं वो नोटिफिकेशन नंबर 7 के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखी गई है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां बताया गया है कि GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी एंड मार्च फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू रुपीज 5 करोड़, मतलब जो भी चीजें हैं वो 5 करोड़ तक वालों के लिए 22 तारीख तक एक्सटेंड की गई है विदाउट एनी लेट फीस। 5 करोड़ से ऊपर वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन जो है वो नहीं दिया गया था। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो कि जीएसटी पोर्टल के हवाले से निकल के आ रहा है, जो कि आपको समझना बेहद जरूरी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो जीएसटी पोर्टल ने भी एडवाइजरी जारी करके बताया था कि ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग फॉर फॉर्म GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020 क्या है। यहां पर आप देखेंगे तो यहां बताया गया है मोर देन 5 करोड़ के लिए एनीवेयर इन द स्टेट वो था 20 फरवरी 2020, उसके बाद लेस देन 5 करोड़ जो हमारा सेंट्रल स्टेट्स और जो हमारे साउदर्न स्टेट्स हैं उनके लिए 22 फरवरी ड्यू डेट है, और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और जो नॉर्थ स्टेट्स हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके लिए 24 फरवरी की ड्यू डेट जो है वो रखी गई है। यहां पर इन्होंने नोट में बताया है टैक्स पेयर्स विद एग्रीगेट टर्नओवर ओवर मोर देन 5 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मे प्लीज इग्नोर द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 3B रिटर्न बींग सोन एज 22nd एंड 24th मंथ ऑफ द रिटर्न डैशबोर्ड एंड मस्ट फाइल देयर रिटर्न बाय 20th ऑफ द मंथ टू अवॉइड द लेट फीस। बिल्कुल क्लियर इन्होंने ये बताया था कि 20 तारीख से पहले आप अपनी GSTR 3B फाइल कर लीजिए, अदरवाइज लेट फीस जो है वो लग जाएगी, लेकिन अभी जीएसटी पोर्टल लेट फीस कैलकुलेट नहीं कर रहा है। जब तक कैलकुलेट नहीं करता है आप अपनी फाइलिंग कर लें, हो सकता है आज के बाद उस पर लेट फीस लग जाए। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं, उसके अंदर एक सेक्शन मिलेगा आपको कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन, उसमें जाकर के आप अपनी क्वेरीज मुझ तक पहुंचा सकते हैं। विद इन 48 आवर्स हमारी टीम आपका रिप्लाई करने का प्रयास करेगी। अगर आपको इंस्टेंटली रिप्लाई चाहिए तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। यह मैंने ओपन किया है gstplatform.com का वेबसाइट और आप यहाँ पे देखेंगे कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन जो है वो आपको मिलेगा। इसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सब्जेक्ट किस हेडिंग, क्या टॉपिक आपका है जिसके तहत आप सवाल पूछना चाहते हैं, और अपना सवाल यहां लिख करके इसे सबमिट कर देंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि GSTR 3B की जो लेट फीस है वो लग रही है या नहीं, और अगर नहीं लग रही है तो वो क्या हो सकता है, क्यों नहीं लग रही है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।